ऑनलाइन बुक मिली, और जहाँ तक अभी पता है दिल्ली में हार्डवेयर राइटिंग को पढ़ा नहीं रहा है, ठीक है। और मैं अभी ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैंने ट्वेल्थ करी है बस कॉलेज वगैरह। और पहले बताओ हार्डवेयर राइटिंग किस चीज़ को पता है? हार्डवेयर हैकिंग इज बेसिकली लाइक यू कैन कॉम्प्रोमाइज सम डिवाइस विद योर स्किल, एंड आप उसको कुछ भी अपने मर्जी से करवा सकते हो। एक मान लो कि वाईफाई राउटर है, उसमें आपको पता होगा डब्ल्यू डब्ल्यू पी एस चलता है, डब्ल्यू पी एस 2 3। तो एक राउटर होता है आजकल C20। तो उसमें क्या होता है कि आपका डब्ल्यू पी एस 2 नहीं चलता पर 3 पर्सन, एक की फाइल ओपन राइट, ओपन राइट काम करा होगा जो, तो सॉफ्टवेयर है वो एक जो आप राउटर में डाल सकते हो, जिससे क्या होता है कि आपके राउटर का एक डब्ल्यू पी एस 3 इनेबल हो जाता है। तो पहले तो हार्डवेयर हैकिंग, ठीक है। हार्डवेयर हैकिंग पहले तो ये इलीगल है, पूरी प्रॉपर कोई करवा नहीं रहा है, कोई कर नहीं सकता विदाउट एनी परमिशन ऑफ कंपनी, ठीक है। आप सीख सकते हो, बट हाँ आपको अगर कोई टेम्पर कर रहा हो डिवाइस कंपनी का, तो कंपनी आपको बोलेगी कि आप ये चीज नहीं कर सकते। हार्डवेयर हैकिंग की रिक्वायरमेंट, आपको हार्डवेयर हैकिंग में क्या क्या चाहिए? सोल्डरिंग आयरन, वायर, पेज, ऑसिलोमीटर, ऑसिलोस्कोप सॉरी माइक्रोस्कोप, एंड और भी अगर बस पायरेट, हाइड्रा बस, बस पायरेट, हाइड्रा बस ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट ये जेटा के यूज होता है। और यू आर टू सीरियल मॉनिटर, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और भी है माइक्रोस्कोप, आपका मल्टीमीटर, और भी केबल चाहिए मुझे आपको। अब स्टेप क्या है हार्डवेयर हैकिंग का फॉर्म भरना? चार स्टेप्स हैं, इमुलेशन कहते हैं, इमुलेशन एनवायरमेंट, आपको एमुलेट करना पड़ेगा उसका एनवायरमेंट अपने पास। लॉग होते हैं ना सारे डिवाइसेस, जैसे आप उसका यू आर एक्सेस कर लेंगे, एक्सेस नहीं ले सकते, पर आप यू आर के थ्रू उसका एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। और फिर हाउ द डिवाइस डिवाइस वर्क, डिवाइस वर्क कैसे कर रहा है, कहाँ से वो वाईफाई किस सिग्नल से उठा रहा है, क्या कर रहा है, वो सब उसके अंदर यू आर में स्टोर है। लास्ट आप जो मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं वो खुद कर सकते हो। पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में क्या क्या है, डिवाइस एक्टो डिवाइस कौन बनाता है, फिर उसके बाद कंपनी, फिर कंपनी ने डिवाइस में ऑफर के एड ऑन करें, जैसे सीपीयू, फ्लैश मेमोरी, आपका रैम और भी है और चीजें वो आगे बता रहा हूँ। ओपन डिवाइस, आपको हर डिवाइस खोलना पड़ेगा जो कि टेम्पर प्रोटेक्शन का। अगर आपने डिवाइस खोला और आप उसको जैसे यूट्यूब वगैरह पे दिखा रहे हो, तो कंपनी पूरा हक रखती है आपके ऊपर केस लगाने का, ठीक है। आइडेंटिफाई कंपोनेंट, मैंने बताया सीपीयू, रैम, फ्लैश मेमोरी, ये सब आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं किस चीज के लिए हमें, ताकि हम उसे मॉडिफाई कर सकें। अगर आप किसी मान लो अगर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का मॉडल काम करें, आप उसमें 3.3 गीगाहर्ट्ज़ की वो डाल देंगे अपनी खुद की बनाई फर्मवेयर में, तो क्या होगा, खराब होगा। मेरे पास है अभी एक, मैं दिखाता हूँ सभी का। वो सब चीज़ें नहीं करती, ओके मैं आ रहा हूँ। बेसिकली यू आर टेल कि आपको टर्मिनल एक्सेस देता है, आपने कभी इसमें राउटर राउटर का टर्मिनल एक्सेस किया है, एनेबल करना पड़ता है, तो राउटर आपका लॉक होता है, एडमिन पासवर्ड वेब पे चाहिए होता है। लेकिन अगर आप यू आर से एक्सेस देते हो, तो आपको एडमिन प्राइमरी का पासवर्ड नहीं चाहिए होता, कंट्रोल भेजा हुआ है। और डेटा, डेटा मेनली यूज होता है आपका सॉफ्टवेयर चेंज करने में। मान लीजिए आपका भी टेंडर का राउटर है, तो उसमें डल रहा है टेंडर का खुद का पर्सनल, पर अभी मैंने ओपन राइट डाला है डेटा से, तो डेटा से ओपन राइट डालने पर कॉम्प्लेक्स नहीं होता, तो डेटा की पेंस ना नहीं निकाल के बहुत राउटर में बंद होती है। लेकिन यू आर की पेंस कंपनी वाले क्या करते हैं, पहले से मार्क करके देते हैं कि ये आर एक्स है, पी एक्स, ग्राउंड और फाइव हो, आर एक्स एस प्रिसीजन ट्रांसफर। और फिर फर्मवेयर, फर्मवेयर या तो आपने खुद बनाया हो, नहीं तो जैसे ओपन राइट नाम भी लिखा हुआ ऑनलाइन देख सकते हैं वो,
और रूट फाइल सिस्टम, अगर आपको रूट के लिए क्लियर करना है तो आपको डेटा चाहिए होगा, क्योंकि आपका यूआरटी सिर्फ कंट्रोल करता है, रूट एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको फाइल चेंज करनी है वो सब एक्सेस नहीं देता है। फोन एक था डिवाइस, अभी मेरे पास टेंडर राउटर था, अनफॉर्चुनेटली वो बातों का नहीं बता पाया, तो उसमें एक वेबसाइट है enteinfodeport.shoutwave.com, इस पे इस वेबसाइट पे जाके आप कोई भी राउटर सर्च करोगे उसका कंपनी नेम आ जाएगा, उसमें कौन सी सीपीयू यूज हुई है, कौन सा रैम, कौन सा आपका कैश मेमोरी चिप है और कितने गीगाहर्ट्ज़ पे वर्क करता है, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगी। इंटरनल फोटोज, एक्सटर्नल फोटोज भी वहीं मिलेगी, अगर आपको राउटर नहीं खोलना पर आपको देखना है कि राउटर के अंदर कैसा सिस्टम है तो आप ये वेबसाइट पर जाके देख सकते हो राधर देन आप खोलो कुछ, और अगर राउटर चलने के बाद आप डायरेक्ट खोलते हो तो आपको करंट लग सकता है। ये एक राउटर है टेंडा का जिसकी मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है, वाई फाई राउटर की इनको आपको पीछे लेबल होता है हर राउटर के पीछे, उस पर आपको क्या क्या मिलता है, SSID, आपका एक्सेस पैनल IP और SSID और पासवर्ड अगर होता है तो दे देते हैं कंपनी वाले, नहीं तो वो आप ऑनलाइन निकाल सकते हो। बाकी ये फ्रंट साइड है, बीच वाली फोटो और आपकी राइट वाली फोटो बैक साइड है राउटर के अंदर का मदरबोर्ड। ये वेबसाइट है कोई जो मैंने अभी आपको टेक इन्फो रिपोर्ट बताया, उस पर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है आप जब भी कोई राउटर का मॉडल नंबर डालते हैं, जैसे मेरे पास टेंडर D151 वर्जन 2, इसकी आपको FCC ID मिलेगी। FCC ID बेसिकली क्या होता है, ट्रेडमार्क टाइप होता है, आप FCC ID डॉट आई थिंक रिपोर्ट है या फिर ऐसी कोई है ना आगे आएगी वो, उसमें आप सर्च करोगे ना FCC ID तो उसके लिए आपको इंटरनल फोटोज, आपकी टेस्टिंग, आपकी एक्सटर्नल फोटोज, यूजर मैनुअल और आपको अलग अलग बता देगा कि कमरे कौन से इंस्टॉल हो सकते हैं। जैसे इसमें बता दिए इसमें CPU टाइप स्पीड, हाँ आपको अगर अगर आपको खुद का फर्मवेयर बनाना है तो आपको CPU की स्पीड भी पता होनी चाहिए, नहीं तो अगर आप ज़्यादा स्पीड या फिर कम स्पीड कर दोगे तो आपका राउटर वो वर्क नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। FCC.report ये वो वेबसाइट, ये वेबसाइट का इंटरफेस है G7 TD151, वो है G7 वर्जन TD10151 उसका मॉडल नंबर, और इसका आपको देख सकते हो क्या क्या यूजर मैनुअल, इसका सेटअप फोटो, टेस्टिंग रिपोर्ट, RF एक्सपोजर, इस पर सब कुछ मिल जाएगा, आपको बस क्लिक करना और डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको टेस्टिंग करनी है खुद तो राधा सर मैं आपको YouTube पे जाने से अच्छा आप घर बैठे टेस्टिंग कर लो, कोई सही है। अभी जो हमने वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन निकाली ये हमें वो मिली है डायरेक्ट, हमने कुछ नहीं करा, मॉडल नंबर डाला, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब कुछ राउटर ऐसे हैं जो कि इन वेबसाइट पर लिस्टेड नहीं है, उनकी हम इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक चीज तो राउटर खोलना ही पड़ेगा कुछ भी करो, पर ध्यान से अगर आपने जैसे कैंसर प्रोटेक्शन हो गया आपको याद हो सकता जैसे फिल्टर स्कैन वाली मशीन होती है, अगर हम उसे खोलते हैं तो उसके बाद वो वर्क नहीं करती, क्योंकि उसमें कैंसर प्रोटेक्शन लगा रखे होंगे कंपनी वाले, अगर आप मानो कि आपको कंपनी वाले को दे रहे हैं पेटीएम वाले तो वो कंपनी से ही आएगा ना, डिस्ट्रीब्यूटर से आएगी मशीन, अब डिस्ट्रीब्यूटर उसको खोल के कोई हार्डवेयर लगा दें आपको क्या पता, उसमें क्या पता आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है पैसे का लेकिन पैसे कहीं और जा रहे हैं, तो ऐसा हम खोल नहीं सकते हैं, हाँ कंपनी कर सकती है। अभी मेरे ख्याल से 1 या 2 साल पहले एक केस था GigaByte का मदरबोर्ड का, उसने क्या था आपका SPI Home Flash और एक फ्लैश होती है NAND, ये क्या कर रहे थे कंपनी वाले, इसलिए कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे थे जिनको पैसे नहीं मिल रहे थे वो निकाल के सिर्फ उसमें बैकडोर डाल देते थे, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आपको पता नहीं होगा आपका सिस्टम बैकडोर होगा, पूरा एक्सेस होगा कुछ भी पास, आप ना उसको टेस्ट कर सकते हो ना वो आपके एंटीवायरस से रिमूव होगा, उसके लिए आपको सिर्फ मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा और ना ही मेरे ख्याल से तो आपको पता भी नहीं चलेगा कंपनी की बैकडोर अवेलेबल है, बाकी बैकडोर है एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब एक ये राउटर है नोकिया का ONTA 8LJT, इसका मॉडल है G2425, ठीक है, और ये मॉडल नंबर आपको इन दोनों वेबसाइट पे कहीं नहीं मिलेगा, आपको ये देखने के लिए मैंने ये डिवाइस खोला था, इसमें आप देख सकते हो ये वाली फोटो में
सीपीयू है, इस वाली में आपका इकोनेट का वो है, वाईफाई ड्राइवर है, और ऊपर वो आपकी नैंड फ्लैश है, वो फ्लैश मेमोरी है जिसमें आपकी, जैसे देखा होगा आपने कि आपका बायोस चलता है जिसमें, वो वाली मेमोरी है वो। और ये मीडिया टेक का वाईफाई कंट्रोलर चिप है, ये भी मीडिया टेक की दो क्यों लगती है, एक 2.4 GHz की और एक 5 GHz की, ठीक है। और सबसे ऊपर जो वो है वो कंट्रोलर बोर्ड है जो आपके लैन को ड्राइव करता है। अब तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आई, जिससे राउटर खोलने से वो हम आगे भेज रहे हैं। हमारे पास सीपीयू की बात आई, इकोनेट का सीपीयू है, फ्लैश चिप आ गया, SCCID नहीं है क्योंकि SCCID पे बन नहीं थी ना, SSID इसलिए नहीं क्योंकि नोकिया की वारंटी है और एयरटेल भेजता है, तो एयरटेल अपना नाम डाल के भेजता है, तो वो कभी भी चेंज हो सकता है, वो एक नहीं रहता। और मॉडल नंबर मैंने बताया 24 35 वायरलेस मीडिया टेक की, और डिफॉल्ट पासवर्ड उसका एडमिन होता है, कंपनी कभी कभार चेंज कर देती है, जैसे वो चेंज कर देती है अपना, पर एयरटेल का जो नोकिया का वारंटी आता है एडमिन ही रहता है, बाकी एडमिन वेब पे वेब को वो करने जाते हैं। बाकी यूआर्ट क्या होता है, यूआर्ट में आपने कंट्रोल का एक्सेस लेते हो राउटर का, आप लेते हो उससे बायस से कंट्रोल बायस, पर इसमें आपको चाहिए होता है यूआर्ट टू सीरियल टू यूआर्ट कंट्रोलर। उसमें क्या होता है, आपको कंट्रोल लेवल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चार पिन चाहिए राउटर में, जो कि है RS, TX, ग्राउंड और VCC। VCC हमारी होती है पॉजिटिव, ग्राउंड हमारी GND ग्राउंड होती है, और RX रिसीविंग, TX ट्रांसफरिंग। ये डिवाइस है जो कि UART डिवाइस बोलते हैं, तो इस रिजल्ट टू UART कन्वर्टर है। इसमें हम डिवाइस की टाइप देख सकते हो, डिवाइस को चेंजेस कर सकते हो, जैसे मानो अभी मैं फॉरेंसिक का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सर आपके पास कोई केस आया जिसमें राउटर से मतलब कहीं मानो कोई अटैक किया गया और राउटर लॉक है, आप उसको रीसेट तो करोगे तो उससे सारा डेटा खुल जाएगा, ठीक है। उसको खोलने के लिए UART चाहिए होता है, आप विदाउट एनी एक्सेस आप राउटर में देख सकते हो कि कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड थे और कौन सी IP पे है। बाकी ये सीरियल कनेक्टर है RS-232 जो आपको कंट्रोल में मदद करता रहेगी, बेसिकली किससे, आप सर्वर से और राउटर से। अगर ये पिन शॉर्ट होती है तो आपका राउटर दो कंडीशन में बचेगा, या तो डेड होगा या फिर वो रीस्टार्ट होगा। अगर डेड हो गया तो कुछ नहीं कर पाओगे, अगर रीस्टार्ट हुआ तो आप वापस ट्राई करना। पर इसमें जो ये बॉक्स वाली पिन है ये मोस्टली VCC पिन होती है, ये हमारे को ज़्यादा नीड नहीं होती है क्योंकि हम राउटर का एक्सटर्नल पावर दे सकते हैं। तो अगर हमारे पास पावर बोर्ड नहीं है, कोई सॉकेट नहीं है आपके पास, तो हम इससे पिन से आपको 3.3 वोल्ट देखो 5 वोल्ट, ये दो ही वोल्टेज है जिससे ये चलता है। अगर आपने 3.3 वोल्ट की जगह 5 वोल्ट दे दिया तो वो फिर डेड हो जाएगा। आपको ये मल्टीमीटर से चेक करना है कि कितनी वोल्टेज जब ऑन होता है तब कितनी वोल्टेज आ रही है, और वो चेक करने के लिए आपको एक पिन ग्राउंड पे रखनी होती है, एक पिन अगर आप VCC पे रखेंगे तो 3.3 वोल्ट आएगा और ग्राउंड पे 0 आएगा, और आपका RX पे आई थिंक 3.2 वोल्ट और रिसीविंग ट्रांसफरिंग में 3.3 वोल्ट। बाकी ये कनेक्शन है, आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के लिए कैसे कनेक्शन करना है, एक डिवाइस में ग्राउंड से ग्राउंड ही कनेक्ट रहेगा, पर RX और रिसीविंग और ट्रांसफरिंग के लिए कनेक्शन आपको उल्टे करना पड़ेगा, जैसे ट्रांसफरिंग ट्रांसफरिंग से बाकी। हाँ, अब UART ढूंढने के UART ढूंढने के लिए बहुत तरीके हैं, सबसे आसान तरीका मल्टीमीटर, और उससे आसान तरीका बोर्ड पे सिर्फ 4 पॉइंट देखो, ये 4 पॉइंट, इस 4 पॉइंट में एक VCC और आपकी लास्ट की दो या तो RX-TX होगी या फिर ग्राउंड या फिर VCC होगी, और बाकी आते हैं बहुत डिफिकल्ट पार्ट जिसमें ये पिंस नहीं दी जाती, उससे हम कनेक्ट करते हैं CPU से। CPU से कनेक्शन बनाने के लिए आपको पहले CPU के बारे में पूरा जानना पड़ेगा, उसके लिए आप डेटा शीट चेक कर सकते हो, गूगल पे है सारी अवेलेबल, जिसकी अवेलेबल नहीं होती वो कंपनी उसको क्या करती है आपको बता दो, रिपेयरिंग में जब आपकी चीजें आती हैं
तो ट्रेडिंग में उनके पास टूल्स होते हैं बहुत सारे जो कंपनी पेमेंट का प्रोवाइड करती है, उसमें इसके पूरे डायग्राम्स होते हैं कि कौन सी पेन क्या है, उसमें कनेक्ट करके चला सकते हैं। सबसे मोस्टली जो है वो है बीसीबी ट्रेस ढूंढना। आप ट्रेस से नहीं ढूंढ सकते क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता बीसीबी कितने लेयर में बने। नॉर्मली जो ट्रेसेबल लेयर होते हैं वो होते हैं 1 से 2 तक, पर ये वाले जो हमारे बने होते हैं ये सैंडविच बोर्ड होते हैं, ये बने होते हैं 2, 3 या 4 लेयर। अब हमने यूआर ढूंढ लिया, डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ ली, वाईफाई चिप देख लिया, ठीक है, हमने रैम देखी, ठीक है, मेटल देखी। अब हम इसका कनेक्शन कैसे लेंगे कंट्रोल को, उसके लिए होता है बॉड रेट। बॉड रेट पता है किसी को क्या होता है? बॉड रेट बेसिकली वर्क करता है बिट पर सेकेंड। तो मोस्ट कॉमन जो डिवाइस में बॉड रेट यूज होता है वो है 115200, ये आपका मोस्ट ऑफ द डिवाइस में यूज होता है, और आपका डीटीआर में 9600 बिट पर सेकंड यूज होता है। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा कोटी, सबने सुना होगा कोटी, 1400 से लेते हैं, उसमें सीरियल पे जाके पहले आपको डिवाइस मैनेजर में आपका कॉम पोर्ट देखना पड़ेगा कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, उसके बाद आपको बॉड रेट डालना पड़ेगा। आपका सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए बॉड रेट का वो होना चाहिए 115200, अगर उसमें नहीं वर्क करता तो वो आप ये बाकी पे डाल सकते हो 3840579006009192000, बेसिकली वर्क आपका सबसे कर जाएगा 15200 सबसे वर्क करता है। अब कॉमन रिस्क क्या है, अभी आपने सब कुछ कर लिया, आपने मन चाहे में सब कुछ कर लिया कि हाँ मेरे को हार्डवेयर एक्सप्लोर करना है। मैं हार्डवेयर बोलने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कैपेसिटर क्या होते हैं, आईसी क्यों कौन सी यूज होती हैं। देखो एक इंसिडेंट है, मैं था नींद में, मैं चेक कर रहा था मदरबोर्ड में क्या दिक्कत थी, कैपेसिटर फुल चार्ज था, ठीक है, मैंने जैसे बोर्ड पे हाथ रखा कैपेसिटर ने पूरा चार्ज मेरे हाथ से ले लिया और ऐसे निशान मिट चुका है। बट हाँ ये हार्डवेयर आपने परफॉर्म कर रही है नॉर्मल है कि करंट खा रहे हैं, कुछ भी काम करो करंट लगेगा लगेगा। आठ टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिवाइस टैम्परिंग, डेटा लीक, फिजिकल डैमेज, वल्नरेबल इंजेक्शन, सप्लाई चेन अटैक, इंपैक्ट ऑन सेफ्टी सिस्टम, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसका आता है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है। बाकी सर बताएंगे हमको क्या होगा। वो कुछ नहीं होता है, आप देखते वो गर्म होता है, वो खराब नहीं होगा, पर हाँ आपका हाल लग सकता है ज्यादा गर्म। बाकी हाँ अगर वर्किंग में मैं तो यही बोलूँ, अगर कोई डिवाइस खोलना भी तो वर्किंग में ना ही खोले। अनऑथराइज्ड एक्सेस, मैंने आपको बताया कि आपके पास एक्सेस नहीं होता किसी भी राउटर का, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कोई फॉरेंसिक में कोई राउटर आता है तो उसका आप अनऑथराइज्ड एक्सेस दे सकते हो यूआर के, ठीक है, ये इलीगल है, बट हाँ तो ये हो गए इलीगल। डिवाइस टैम्परिंग, बहुत कंपनी आपको पता होगा एक सील लगाती है वारंटी सील, वो आप अगर खोल देते हो तो उसके बाद वो वारंटी पड़ती नहीं है, या फिर आपकी गलती से टूट भी जाती है ना वो सील तो वो वर्क नहीं करेगी। कंपनी वाले डायरेक्ट ही आपको बोले कि आपने डिवाइस खोला है, अब आपने पता नहीं डिवाइस के साथ क्या है। बट आप अगर जो कार्ड वाली मशीन है उसको आप खोलते हो वो वर्क ही नहीं करती, तो अगर चोर बाजार से कभी कार्ड वाली मशीन ली हो, जैसे मैंने ली थी टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो मैंने उसे खोला था लेकिन उसके बाद वो वर्क करना बंद कर दिया। मदर इंजेक्शन, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बोर्ड में मदर बोर्ड में कैसे बैकडोर डाल दिया था गीगाबाइट के मदर बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूटर से, तो ऐसे हम मालवेयर इंजेक्ट कर सकते हैं बहुत अलग अलग तरह से। गेट एक्सेस आप खुद का मालवेयर बना के इम्पोर्ट कर सकते हैं उसके अंदर मदर बोर्ड, पर हाँ आपको एक पूरी प्रॉपर कोडिंग आनी चाहिए। पर डिवाइस का फर्मवेयर बनाने के लिए अभी मैंने वीडियो देखी थी कल परसों,
आपको पता होगा लेनोवो का नया डिवाइस आया है, हैंडमेड गेम खेलते हैं उसमें, वही पीसी होता है टच वाला, वो लिमिटेड होता है, 16 GB वेरियंट आता है पर। पर उसने क्या किया, उसने हेक्सा वैल्यू कैलकुलेट करी, पूरे चार्ट पढ़े, उसके बाद वो 16 जो 16 GB रैम जो लॉक थी उसको अनलॉक करके उसने 32 GB कर दी। अभी आप देखो कि रैम एकदम से बढ़ा सकते हैं, तो जैसे एक्सबॉक्स 360 वगैरह आता था इनमें तो सीपीयू भी चेंज हो जाता था, पर तभी कंपनी ने फिर रिस्ट्रिक्शन लगाने लग गए थे कि अब सीपीयू वगैरह चेंज नहीं होगा और आज तक कोई का स्टोर नहीं गया। किसी को पता है मॉड चिप क्या है? मॉड चिप एक्सबॉक्स वगैरह है किसी के पास यहाँ पे, एक्सबॉक्स पीएस वगैरह? तो मॉड चिप बेसिकली क्या करता है, आपका बाईपास करता है सिक्योरिटी सिस्टम एक्सबॉक्स में, पीएस में और नेटेंडो में, ठीक है। उससे क्या होता है, आप कोई भी गेम अपने पीसी से इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट एनी गेमिंग मनी। है लीगल पर कंपनी बैन कर देती है जैसे पता चलता है। PS5 सबसे अंतिम खबर है इस मामले में, क्योंकि उनके जैसे PS5 आया था अभी एक महीने में उसकी मॉडशिप बन चुकी है। मॉडशिप के लिए आपको दुकानों पर जाना पड़ेगा, लेकिन आपने किसने सुना हो तो निंटेंडो में मेरे ख्याल से 3 साल के लिए जेल में भी भेजा था एक बंदे को मॉडशिप बनाने के लिए। सप्लाई चेन अटैक मैंने आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है सीधे उनसे, मैन्युफैक्चरिंग टीम से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को अगर पैसे नहीं मिलते वो सेटिस्फाई नहीं होता। अगर डिस्ट्रीब्यूटर सेटिस्फाई नहीं होता अपनी जिससे उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, तो वो क्या करता है, डिवाइस को टेम्पर करना शुरू कर देता है ताकि हम जैसे यूजर्स को प्रॉब्लम हो और हम उस कंपनी से दूर चलते हैं। डेटा लीक, अभी आपको मैंने बताया था बैकडोर डाल सकते हैं उससे डेटा लीक भी होता है, और डेटा ब्रीच तो फिर आपको पर ये सारी प्राइवेट इनको वैसे रख नहीं सकते आप किसी की, और डेटा लीक होता है तो इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सर आपको बिना बताए डेटा लीक हो रहा था, फिजिकल डाटा लीक, अगर आप हार्डवेयर हैकिंग परफॉर्म करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो हार्डवेयर है वो क्रैश करेगा या फिर खत्म होगा। मेरा पूरा डब्बा भरा पड़ा है जिसमें सारे डिवाइस खत्म हो गए। इंपैक्ट ऑफ सेफ्टी सिस्टम, देखो अभी इसको कोई डिटेक्ट करने के लिए कोई मतलब टूल वगैरह नहीं बना है, आप डिटेक्ट नहीं कर सकते कि आपके पीसी में मदरबोर्ड लेवल तक किसी ने सिक्योरिटी ब्रीच कर दिया कि नहीं कर दिया, बट हाँ आप अपना ट्राई कर सकते हो खुद, जैसे आपका सिस्टम स्लो हो जाए या फिर बीच बीच में विंडोज पावर से खुल जाता है किसी को पता, जब ऑन करते हैं एकदम से कमांड लाइन खुल जाती है वो फिर बंद भी हो जाता है एकदम से, तो वो आप एक बार चेक करवा सकते हो किसी से कंज्यूमर वगैरह की जहाँ से आपने खरीदा है कि इसमें कोई दिक्कत है क्या है वो बता दें, नहीं तो आप डायरेक्ट कंपनी को कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि हमारे में ये दिक्कत आ रही है, वो आपको बता देगी सारा कि कैसे कैसे आपको डिवाइस भेजना है क्या करना है। विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन आप ये परफॉर्म नहीं कर सकते, आप या तो किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तब आप ये काम कर सकते हो, पर आपको तब भी जो ये डिवाइस बनाना है जैसे टेंडा पीवीएन इन सबसे परमिशन चाहिए होगी कि हम उनके डिवाइस पे टेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बाउंड्री में नहीं आएगा क्योंकि वो डायरेक्ट बोलेंगे कि डेटा ब्रीच कर रहा है हमारा, हम ये अब एक बार बताओ आपको 1000 लॉट एक बार में उन्होंने बना के भेज दिए, अब वो सारे वापस तो नहीं मंगाएंगे सही करने के लिए, तो वो डायरेक्ट आपके केस करेंगे कि ऐसा कुछ है नहीं और आपने ये पता नहीं कहाँ से निकाला और आपने हमारा डिवाइस खोल के आप ये कर रखे हो। अभी लगा दो से या फिर डेटा डेटा मैंने पढ़ाया है बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है।
बाद में कभी अगर होगा उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना, ये मेरे को बता देंगे, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो अब मैं वॉलॉग के बारे में बताता हूँ।